तो मैं आपको इनकम दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, $223, मतलब सिर्फ 9 दिनों में। गाइस आप इमेजिन कर सकते हो, कल का जो इनकम आप देख सकते हो $79 का इनकम हुआ है, तो एक दिन का कितना हो गया, लगभग 6,000 रुपए से ज्यादा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेब स्टोरीज से पैसे कैसे कमाए, क्या तरीके हैं कि लोग वेब स्टोरीज से दिन के $100 से भी ज्यादा कमा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने शिवम कौशिक जी को फीचर किया था अपने चैनल पर, जहां पर वो वेब स्टोरीज से डेली के $100 से ज्यादा यानी कि 8,000 रुपए से भी ज्यादा पैसे बना रहे हैं। और पिछले 7 महीनों में शिवम जी ने $21,000 से भी ज्यादा पैसे बना चुके हैं सिर्फ वेब स्टोरीज के बदौलत। तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। बट उस वीडियो के बाद काफी सारे रिक्वेस्ट आए कि सतीश भाई एक पूरा तुम जीरो से लेके हीरो तक यानी कि A to Z वीडियो बनाओ वेब स्टोरीज के बारे में, कि कैसे करते हैं इसको, कैसे सेटअप करते हैं, बनाते कैसे हैं और कमाते कैसे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वीडियो पर चलते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यार लाइक कर दो भाई, बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा है। क्योंकि इसमें लाइक करने का एक और रीजन ये है कि मैंने पिछले 1 महीने से मैं वेब स्टोरीज पे काम कर रहा हूँ, जिसका कुछ रिजल्ट आया है जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, बताऊंगा कि मैंने कैसे किया और क्या मुझे फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ और उससे इनकम कितनी हो रही है, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कैसे सेटअप करना है, कैसे बनाना है, कैसे मोनेटाइज करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेब स्टोरीज होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभी दुनिया बदल रही है, तो कंटेंट का जो फॉर्मेट है वो भी इवॉल्व हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है। तो अभी जैसे देखो इंस्टाग्राम पे या फिर स्नैपचैट पे हर जगह पे स्टोरीज का फॉर्मेट चल रहा है, लोग स्टोरीज डाल रहे हैं। तो पिछले ही साल गूगल ने लॉन्च किया वेब स्टोरीज। अभी देखते हैं कि वेब स्टोरीज दिखता कैसे। एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर कुछ सैंपल्स गूगल ने ही बता रखे हैं कि इस तरह के वेब स्टोरीज अगर आप बनाओगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखोगे BTS का वेब स्टोरी है, यहाँ पर वाइस ने डाला है, vice.com ने। तो यहाँ पर जो कुछ स्लाइड्स हैं यही वेब स्टोरीज कही जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेजेस हैं और कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, हालांकि यहाँ पर टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है, टेक्स्ट आपको कम लिखने हैं, कितने लिखने हैं अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसको बोलते हैं वेब स्टोरीज। आई थिंक जो फर्स्ट टाइम वेब स्टोरीज को सुन रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप मोबाइल फ़ोन में कहाँ दिखता है हम बता देते हैं। मोबाइल फ़ोन में गूगल सर्च में भी दिखता है और साथ ही साथ डिस्कवर में दिखता है। वो डिस्कवर कहाँ से आता है, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ऐप पे जाते हो, एंड्रॉयड में आई थिंक गूगल ऐप होता है, तो जैसे आप थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको स्टोरीज के फॉर्म में कुछ कंटेंट दिख जाएंगे जो वेब स्टोरीज कहे जाते हैं। और दोस्तों मज़े की बात है कि गूगल ने इसको लॉन्च किया और अभी इसको 1 साल हुए हैं, तो इसमें क्रिएटर्स काफ़ी कम है। तो अभी हम आएंगे कि वाई वेब स्टोरीज क्यों करना है, वेब स्टोरीज क्यों करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि वेब स्टोरीज सिर्फ 3 कंट्रीज में अभी लॉन्च हुआ है, US, ब्राज़ील और इंडिया। तो भाई हम देखो कितने लकी हैं इंडियंस, यार देखो बहुत लकी हैं और इसी बात पर लाइक हो जाए। तो अभी 3 कंट्रीज में सिर्फ है, तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आगे चल के और अच्छे से इवॉल्व होगा और भी कंट्रीज़ में फैलेगा तो इसका स्कोप बढ़ता ही जाएगा। तो स्कोप के बारे में आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। तो अगर वाई की बात करें तो नया होने की वजह से गूगल जो है इसको बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन दे रहा है, तो जो भी इस पर कंटेंट बना रहे हैं उनको भर भर के ट्रैफिक मिल रहा है, चाहे वो पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उनको रीच तब भी मिल रही है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कॉन्टेंट मत बनाना, मैं आपको सही तरीका बताऊंगा आगे इसी वीडियो में। दूसरा है कि यह अर्निंग का एक नया सोर्स है, मतलब आप ऑलरेडी अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है पैसे बनाने का। तो वेब स्टोरीज को आप अगर मिस कर रहे थे तो आज से इस वीडियो के बाद से आपको मिस नहीं करना है। तीसरा, इस पे रेवेन्यू भी आप काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं, एफर्ट्स थोड़े कम लगेंगे, लाइक आर्टिकल से थोड़े कम एफर्ट लगेंगे बट उससे ज़्यादा आप रेवेन्यू यहाँ बना सकते हो। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें कॉम्पिटिशन लो है, बट शायद इस वीडियो के बाद कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ जाए, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ भाई। चलिए अब बात करते हैं कैसे करना है वेब स्टोरीज, बट उससे पहले मैं आपको अपने केस स्टडी पे लेकर चलना चाहूंगा, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा ताकि आपको मोटिवेशन भी आ जाए और आपको आप सोच सको कि यार आपको करना है कि नहीं करना है, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा काम जो है आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा। तो यहाँ पर एक मैंने वेबसाइट बनाई थी, नया वेबसाइट मैंने, डोमेन मैंने ले रखा था बट उस पर मैंने एक सब डोमेन बनाया और उस डोमेन पे मैंने कुछ आर्टिकल्स पब्लिश नहीं किए थे। तो यह आप देख सकते हो लास्ट 28 डेज का, हालांकि मैं आपको लास्ट 90 डेज का दिखाऊंगा क्योंकि कुछ 1.5 महीने से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे 5 जुलाई को 0 ट्रैफिक है और 6 जुलाई को 16
ट्रैफिक यहाँ पे दिख रहा है, और धीरे धीरे ट्रैफिक थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर अचानक से यहाँ पर थोड़ा सा बूम आया, थोड़ा सा ही आया, मतलब ज़्यादा नहीं, 750 है, फिर उसके बाद आप देखोगे 1600 यूजर्स। तो टोटल अभी जो यूजर्स आए हैं 12,000 आए हैं। इसमें आप देखोगे इंप्रेशंस वगैरह, क्लिक्स कितने आए, सर्च से कितने आए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये गूगल साइट किट है, ओके। इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ ताकि लगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ ऑथेंटिक दे रहा हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश मैंने कर दिया है, अभी भी आप देखोगे यहाँ पर जो ट्रैफिक आपको दिख रहा है ये लास्ट 28 डेज का दिख रहा है। मैं 90 डेज करता हूँ, 90 डेज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा ग्राफ दिख जाएगा, अप डाउन दिख रहा है। और टोटल मैं दिखा दूँ कि लगभग जुलाई 5 जुलाई से, और ये वीडियो शूट हो रहा है फ्राइडे 19 अगस्त 12:46 रात को। तो इस बात पर गाइस लाइक तो हो जाए यार, रात को 1 बजे शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर मैंने $55 अर्न किए। अब देखो ये नया व्लॉग था तो तुरंत इस पर एडसेंस अप्रूवल नहीं था, तो एडसेंस अप्रूवल में कुछ 1 से 2 वीक लग गए, क्योंकि अगर मैंने 5 को बनाया था तो यहाँ पर देखो जो पहली इनकम हुई थी 11 जुलाई को हुई थी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखा रहा हूँ। तो लगभग 1 वीक के बाद हमारा एडसेंस अप्रूवल हुआ, और फिर हमने यहाँ पर एड लगाए, और फिर हमें जो टोटल RPM मिला है $3 का RPM मिला है, मतलब पर 1000 वेब स्टोरीज व्यूज पे अराउंड $3 का मिला है। हालांकि वेब स्टोरीज पे जो CTR होता है, लाइक एड्स पे जो क्लिक होते हैं, थोड़े कम होते हैं। यहाँ पे आप पेज CTR देख सकते हो 0.84% का है, मतलब 100 लोगों ने वेब स्टोरी देखी तो उसमें से एक बंदा क्लिक कर रहा है। तो इस तरीके से $55 मेरे इस ब्लॉग से बने, और ये पूरा एक्सपेरिमेंटल था। और ऐसा नहीं है कि देखो मेरा और भी काम होता है, तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन इसी पे लगा रहा है, तो थोड़ा बहुत काम करके मैंने इस पे किया था। काम कैसे किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक और साइट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। यह अभी बिल्कुल नया है, अराउंड एक महीना इसको हुआ रहेगा, तो इस पे थोड़ा सा अच्छा आया है। क्योंकि अगर इसमें आज का मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, यहाँ पर आप देखोगे अगर गूगल एडसेंस में मैं गया हूँ, यहाँ पर जो अभी 12:47 हो रहा है, तो यहाँ पर आज का तो इनकम 0 दिखाएगा, क्योंकि अभी 12 ही बजे हैं, इसके बाद इनकम आनी शुरू होगी। तो कल का जो इनकम आप देख सकते हो $79 का इनकम हुआ है, तो एक दिन का कितना हो गया, लगभग 6,000 रुपये से ज़्यादा। तो 6,000 रुपये इनकम इससे हुए हैं, और ये गूगल एडसेंस इसी का है। अगर मैं यहाँ पर साइट किट में अगर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो रिफ्रेश करने से क्या होगा, आपको भी संतुष्टि मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो ये ब्लॉग शुरू हुआ है 10 अगस्त को शुरू हुआ है, और आज कितना है 19 अगस्त, सिर्फ 9 दिनों में इस पे 60,000 का ट्रैफिक आ चुका है। और अगर इस पे इनकम की बात करें तो मैं आपको इनकम दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, $223, मतलब सिर्फ 9 दिनों में। गाइस आप इमेजिन कर सकते हो। अब देखो आप बोलोगे कि एक जो पहले से मैंने बनाया था उस पे सिर्फ $55 और इस पे $223 कैसे हो गए। तो गाइस मैं यही बता रहा हूँ, वेब स्टोरीज पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होने का वजह इसलिए है कि मैंने एक तरीका अपनाया कॉपी पेस्ट, एक तरीका अपनाया पूरा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक वाले में थोड़ा जो ग्रोथ है स्लो है, बट मुझे जहां तक बिलीफ है कि अगर ऑथेंटिक काम करेंगे तो लॉन्ग रन में जाएगा, बट अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज हमको देखने को मिलेंगे। और RPM की बात करें तो यहाँ पर भी $3.3 है, बट यहाँ पर CTR थोड़ा हाई है, उसका रीज़न भी बताऊँगा क्यों है। तो एक सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं। आप देखो वेब स्टोरीज पे 10,000 का ट्रैफिक अचानक से बढ़ा है, फिर अचानक से 0 हो गया, फिर अचानक से बूम हुआ है। तो एक कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है, और जितने भी लोग कॉपी पेस्ट कर करके जो कर रहे हैं ना, कॉपी पेस्ट के सिस्टम से थोड़ा सा उनको इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज सामना करने पड़ेंगे। और अगर ट्रैफिक लोकेशन आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो है US से है, क्योंकि हमने US टारगेट किया है, वहाँ पे CPC काफ़ी ज़्यादा। अगर CPC मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से लगभग 97% का ट्रैफिक है। अब अगर कल का मैं दिखाऊँ आपको यूनाइटेड स्टेट्स से हमारी कितनी इनकम हुई है, CPC पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखोगे 24 CPC है। कभी कभी ये $1 हो जाता है, कई लोगों को इससे ज़्यादा भी मिलता है। हालांकि ये जो निश है, मैं बता दूँ, एंटरटेनमेंट निश है, तो इससे ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगा आपको, डेटा पूरा मैं दिखाऊँगा। तो इसमें एंटरटेनमेंट में थोड़ा कम होता है, बट वहीं पे आप फिनांस में करते हो, ट्रैवल में करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा CPC रेट आपको अच्छा खासा मिलता है। तो यह रही बात केस स्टडी की, यानी कि जो हमने वेब स्टोरीज बनाए हैं, लगभग 1 महीने से काम कर रहे हैं, तो 1 महीने में एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट है भाई। मैंने जो मेरा पहला ब्लॉग बनाया था ना, उससे मेरे इनकम आने में 1 साल से ज़्यादा लग गए थे, मतलब 1 साल बाद तो मोनेटाइज हुआ था, और लगभग 1.5 साल में मेरे $124 कंप्लीट हुए थे, तो मेरा पहला पेमेंट आया था। और आज एक दिन है कि ये देखो
एक महीने के अंदर ही इतना अच्छा खासा रिजल्ट आ गया और वेब स्टोरीज पे आ जाएगा। आप भी करोगे, आपको भी एक महीने में रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, बट जो मैं मेथड बताऊंगा उस तरीके से करना है। तो ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का मोटिवेशन के लिए हो गया। अब इससे ज्यादा मोटिवेशन चाहिए तो शिवम जी के साथ हमने जो वीडियो किया था, शिवम जी ने दिखाया था पर डे उनका $100 बनता है और पिछले 7 महीने से वो कंसिस्टेंटली इनकम कर रहे हैं, क्योंकि वो डेली 20 से 25 वेब स्टोरीज बनाते हैं एक साइट पे, और ऐसी उनकी मल्टीपल साइट्स हैं, और जैसे ही एक साइट डाउन होती है तो दूसरे साइट पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हमने रिजल्ट की बात कर ली, अब आते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी ब्लॉग की। अगर आपके पास ऑलरेडी एक ब्लॉग है तो अच्छी बात है, आप उस पर वेब स्टोरीज का प्लगइन लगा के आप चीज़ें शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉग नहीं है तो आपको ब्लॉग बनाना है, तो जो मैं आपको बता के दिखा दूंगा कि कैसे आप ब्लॉग बनाते हैं। अगर आपने कभी मतलब ब्लॉग नहीं बनाया है तो यह वीडियो देख के आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद अपना वेब स्टोरी सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको भी कैसे अप्रूवल लेना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं ब्लॉग बनाने का प्रोसेस बताऊँगा, ब्लॉग सेटअप करने का। जिन लोगों के पास ऑलरेडी ब्लॉग है वो इसको इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, नीचे टाइम स्टैम्प मैंने दिया होगा तो आप वहाँ से इसके बाद वाला टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। तो देखो, ब्लॉग के लिए आपको चाहिए एक डोमेन और एक होस्टिंग। तो फिलहाल मैं जो ब्लॉग बनाऊंगा वो होस्टिंगर पे बनाऊंगा, क्योंकि होस्टिंगर पे जो ना आप कम पैसे में आप काफ़ी अच्छा खासा होस्टिंग ले सकते हो और उस पर आपको एक डोमेन भी फ्री मिल जाएगा। तो सिंपली देखो, नीचे मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से अगर आप होस्टिंग बाय करते हो तो मैं आप लोगों को फ्री में प्रीमियम प्लगइन्स और थीम्स भी दूंगा जो $1,000 के हैं, तो उसका लिंक आप ऐसे टाइप भी कर सकते हो। अगर आप यहां से नहीं करोगे तो शायद ही आपको वो प्लगइन्स और थीम्स मिलेंगे जो $1,000 के बराबर का आएगा। इसे आप उसका प्राइस भी चेक कर सकते हो ऑनलाइन, अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको $1,000 तो देने पड़ेंगे, बट मैं उसको आपको फ्री में दूंगा, क्योंकि जब आप मेरे लिंक से होस्टिंग लोगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, राइट। तो hostinger.in/satishk, यहां पर जैसे ही आप जाओगे वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर आ जाना है होस्टिंग वाले में, वेब होस्टिंग पे आना है और यहाँ पर प्रीमियम वेब होस्टिंग जो ₹149 पर मंथ से शुरू होता है और इसमें आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ 100GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फ्री SSL मिलता है अनलिमिटेड, मतलब जितने भी आप डोमेन्स इसमें लगाओगे सब पे फ्री SSL मिल जाता है। अब SSL क्या होता है, जो जब भी हम कोई साइट ओपन करते हैं वहाँ पे HTTPS लिख के आता है तो इसको बोलते हैं SSL, मतलब उस पे SSL इंस्टॉल है। अगर HTTP आता है तो वो साइट सिक्योर नहीं होती है, तो इससे ना गूगल उसको नेगेटिव ले लेता है, तो इसलिए SSL का होना जरूरी है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीमियम वेब होस्टिंग लो, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल बना सकते हो, मल्टीपल डोमेन होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर आपको एड टू कार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखना है कि कितने टाइम का आप ले रहे हो, 12 महीने का लेना है कि 24 महीने का लेना है कि 48 मंथ का लेना है। अब देखो, मैं तो आपको बोलूंगा कि आप अगर 48 मंथ का लोगे तो आपको 70% आपका पैसा बच जाएगा, क्योंकि यार देखो ऐसा तो नहीं आज शुरू कर रहे हो कल ट्राई करके छोड़ दोगे। हाँ, ट्राई भी करना है तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 30 डेज मनी बैक गारंटी है, मतलब अगर आपको 30 दिन में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको मनी बैक, आपको पैसे वापस हो जाएंगे, एक रुपये भी नहीं कटेंगे और यहाँ से डोमेन का पैसा छोड़ के आपका पैसा मिल जाएगा। तो एक महीने के अंदर आप मनी बैक गारंटी भी ले सकते हैं, तो बट मैं तो बोलूँगा आप 48 मंथ्स वाला लो, लॉन्ग टर्म प्लान करके सोचो, जब आप बिलीव करोगे तो ये चीज़ें हो पाएंगी, और 4 साल का लोगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, मतलब ₹138 पर मंथ में ही आपको मिल जाएगा। बट अगर आप 48 मंथ नहीं लेना चाहते हो तो आप 24 महीने का ले लो, बट मैं यहाँ पर आपको 48 मंथ का लेके दिखाता हूँ। इसके अलावा भी आप कैसे डिस्काउंट ले सकते हो, देखो मैं 4 साल लेता हूँ, बट अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो आप 2 साल वाला भी ले सकते हो, 2 साल वाला आपको 4400 का पड़ेगा, जिसमें भी आपको 500-600 रुपये बच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल लोगे या फिर गूगल के साथ में आप साइन अप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे पेमेंट आप कैसे करेंगे, यहाँ पे पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे टेंशन की बात नहीं, बहुत सारे होस्टिंग्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ क्रेडिट कार्ड होता है, तो मैं यहाँ पर UPI से पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, नीचे आप कूपन कोड लगा दोगे सतीश के, देखो बिना कूपन के हो रहा है ₹8,439, बट कूपन कोड लगाओगे तो आपको अप टू 7% के आसपास में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सतीश के कूपन कोड है, सतीश के आप लगा सकते हो, आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो ₹7,850 का हो गया, तो 500-600 का डिस्काउंट यहाँ से भी हो गया, तो सतीश के कूपन यूज करो और मेरे लिंक से ही लेना, तो आपको भी फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा, है ना। अब यहाँ पर पेमेंट कर देना है, अब कंटिन्यू विथ UPI पे क्लिक कर देना है, अब फिर मैं UPI से यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर स्कैन कर देता हूँ मैं, और ये मैंने कर दिया पेमेंट, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद रिडायरेक्ट होगा और होस्टिंगर के होम पेज पे जाएगा, लाइक हमारे पैनल में जाएगा, एच पैनल इसको बोलते हैं, बाकी जगह पे सी पैनल होता है, यहाँ पे एच पैनल होता है,
ठीक है, यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिख रहा है स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखोगे आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, अपने लिए बना रहे हो तो अपने लिए करना, किसी और के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है तो यहाँ पे क्लिक करना है। मैं मान के चलता हूँ आपने पहली बार अपना ब्लॉग बनाया, तो यहाँ पर आई एम क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ, उसके बाद आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, उसके बाद आप क्या बना रहे हो, ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, बिजनेस, तो आप यहाँ पर ब्लॉग डाल देना। ठीक है, यहाँ पर आप बिगिनर हो, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, तो आपको लिखना है कि मैं बिगिनर हूँ। अब यहाँ पर लिखा है कि माइग्रेट और क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, तो यह उनके लिए है जिनका ऑलरेडी कहीं पे ब्लॉग है, बट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि मेरे पास कोई ब्लॉग नहीं है, मैं यहाँ पे नया बना रहा हूँ। प्लेटफॉर्म कौन सा लेना है, तो वर्डप्रेस पे ही हमें बनाना है, तो वर्डप्रेस हमें चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, और जो ईमेल आईडी मैंने शुरुआत में डाली थी वो ईमेल आईडी से ही खुलेगा, तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लर कर दूंगा, बहुत हैकर लोग हैं भैया, हमारे घर में सेध लगा देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि विच लुक डू यू प्रीफर, मैं बोलूंगा इसमें से आप कोई मत लो, मैं आपको बताऊंगा। जनरेट प्रेस आप इंस्टॉल करो, बहुत ही हल्का थीम है, लाइट थीम है, उसको इंस्टॉल करना है, और वो ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, उसका मैं प्रीमियम भी आपको दे दूंगा, तो उसके लिए मैंने बताया प्रीमियम के लिए आपको क्या करना है, तो स्किप कर देना इसको। फिर यहाँ पर आपको क्लेम करना है आपका फ्री डोमेन, क्योंकि मैंने बताया था इस होस्टिंग प्लान पे आपको फ्री में डोमेन भी मिलता है, तो यहाँ पर क्लेम आप फ्री डोमेन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना एक फ्री डोमेन जो मुझे मिल रहा है मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ, तो मैं एक लेता हूँ लाइक मुझे USA टारगेट करना है, मैं उसके हिसाब से अपना डोमेन ले रहा हूँ, तो आपने जो अपना नाम सोचा होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ theusanews.org। मैं .net लेता हूँ, .com अवेलेबल नहीं है, मैंने चेक किया अभी GoDaddy पे, मैं इसको सर्च करता हूँ, अगर अवेलेबल होगा तो ये क्लेम हो जाएगा। तो डोमेन इज अवेलेबल theusanews.net, ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। आप देखो अपने हिसाब से डोमेन यहाँ पे ले सकते हो, मैं बोलूँगा .com डोमेन लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वर लोकेशन क्या लेना है, अभी देखो मैं इसको US में टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ बाहर का ही सर्वर लूँ, तो हमारा जो टारगेट कंट्री है बाहर का US है, तो मैं चाहूँगा कि बाहर का मैं लूँ, तो यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा USA का मैं सर्वर ले लेता हूँ, ठीक है, और फिनिश सेटअप कर देता हूँ। देखो आप जहाँ के लिए टारगेट कर रहे हो वहाँ का डाल सकते हो, फिलहाल ये वेब स्टोरेज के लिए हम बना रहे हैं, तो बाहर का अगर टारगेट करते हैं US का तो ज़्यादा बेटर होगा। आप ये लाइक जो हम सर्वर लोकेशन वहाँ चूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जो आपका साइट का जो लोडिंग स्पीड होगा वो फास्ट होगा, और वहाँ के लोग ओपन कर रहे हैं तो सर्वर वहाँ पे रहेगा तो फास्ट वहाँ पे ओपन होगा, तो अच्छा ही है। तो अब यहाँ पर फिनिश सेटअप कर देते हैं, अब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत ही कुछ क्लिक्स में आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछती हैं, यहाँ पर कंट्री पूछता है, तो आप अपना कंट्री यहाँ पर बता दोगे कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो, जैसे मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ, और ए पर्सनल है कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि हम न्यूज़ जैसा बनाना चाहते हैं तो इसको हमने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ठीक है, आप अपना पर्सनल बना सकते हो। फिर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें फिल करनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि डैशबोर्ड प्रिपेयर हो रहा है और फिनिश हो रहा है, 100% हो चुका है, तो फाइनली इस तरीके से हमारा वर्डप्रेस ब्लॉग बन चुका है। अब इसके बाद जो चीज़ें करनी है, थीम सेटअप करना है और प्लगइन्स डालने हैं, तो अब यहाँ पर देखो आप सीधा यहाँ से कंट्रोल पे जा सकते हो, कंट्रोल पैनल पे जा सकते हो, और यहाँ पर सीधा एडिट वेबसाइट पे जा सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने फ़ायदा ये हुआ कि डोमेन हमने होस्टिंगर से ही लिया, तो हमको DNS और नेम सर्वर वगैरह चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर आपका डोमेन GoDaddy पे होता तो उसमें आपको नेम सर्वर चेंज करना पड़ता GoDaddy में जाके, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो, YouTube पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, बट अगर आप डोमेन यहीं से लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा मैंने बताया वैसे आप कर सकते हो। एडिट वेबसाइट पे क्लिक किया, हमारा सीधा वर्डप्रेस खुल के आ गया। अब देखो यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है नॉट सिक्योर, क्योंकि हमारा यहाँ पर SSL इंस्टॉल नहीं है, तो हम पीछे जाएंगे यहाँ पर मैनेज साइट पे क्लिक करेंगे और SSL में जाके SSL को ऑन कर देंगे, और हमारा वहाँ पर HTTPS दिखाने लगेगा और साइट सिक्योर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका एच पैनल ओपन हो गया, इसको सी पैनल बोल सकते हैं, एच पैनल बोल सकते हैं, और नीचे आना है, नीचे आप देखोगे SSL यहाँ पे दिखेगा, तो SSL पे क्लिक करना है, और यहाँ पर फेल दिखा रहा है तो मैं इसको रीइंस्टॉल करता हूँ। SSL इज बीइंग इंस्टॉल्ड, आप देखोगे स्टेटस में इंस्टॉलिंग हो रहा है, और ये लाइफ टाइम SSL है, कभी एक्सपायर नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्री में होस्टिंगर से आपको फ़ायदा मिल जाता है, फ्री में अनलिमिटेड SSL मिल जाता है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके पहले सिर्फ एक डोमेन पे मिलता था, तो आप इसमें जितने भी डोमेन्स होस्ट करोगे आप सब पे SSL लगा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि SSL इज इंस्टॉल फॉर द USA न्यूज़। अब अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये अब सिक्योर दिखाएगा, नॉट सिक्योर की जगह पे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन इज सिक्योर करके आ रहा है। अब आपका सारा गेम यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पर वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। अगर हम अपनी साइट को अभी के लिए देखें तो कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो एकदम, अभी कुछ हमने डिज़ाइन नहीं किया है, बट सबसे पहले अब हम इस पर क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर सर्च करना है जनरेट प्रेस, ये फ्री वाला थीम आपको इंस्टॉल कर लेना है, और मैं आपको जो प्रीमियम प्लगइन दूंगा उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो जनरेट प्रेस है
प्रीमियम हो जाएगा, मतलब आप उसमें कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ थीम को, ये फ्री है, फ्री में थोड़ी चीज़ें मिलेंगी बट जो मैं प्रीमियम दूंगा उसमें अनलिमिटेड चीज़ें। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप देखोगे कैटेगरीज। अब कैटेगरीज हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे मान लो कि बहुत सारे अपने जब किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो मेन्यूज़ आपको दिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने मेन्यू बनाया कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर और भी बहुत सारी जो कैटेगरीज होती हैं, उस तरीके से हम वहाँ पर कैटेगरीज यहाँ से बना सकते हैं। तो एक मैं कैटेगरी बना देता हूँ एंटरटेनमेंट, और यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एंटरटेनमेंट कैटेगरी आ गया है। तो जब हम आर्टिकल लिखेंगे उस समय हमें कैटेगरी चूज करना होता है कि यह जो आर्टिकल है या जो ब्लॉग पोस्ट है किस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पोस्ट लिखने के लिए हम ऑल पोस्ट से जाएंगे या फिर ऐड न्यू कर सकते हैं, यहाँ से हम ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करके अपना आर्टिकल यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टेप है प्लग इंस्टॉल करना है, तो जो भी मैं प्लगइन्स नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या फिर स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, ये सारे प्लगइन्स आप यहाँ से सर्च कर करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ प्लगइन्स जो प्रीमियम प्लगइन्स है जो मैं दूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनवॉइस मेल करना है manager@satishkushwaha.com, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो वहाँ पर जब आप इनवॉइस मेल करेंगे, जब आप मेरे लिंक से परचेज करेंगे, तो मैं आपको $1000 का फ्री में वो दे दूंगा, प्लगइन्स दे दूंगा और थीम भी दे दूंगा, ठीक है। तो उसको आप इंस्टॉल कर लोगे और इसमें से कुछ प्लगइन्स आप यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दोगे, जैसे होस्टिंगर है, लाइट स्पीड कैचे आप छोड़ सकते हो, बाकी ये ऑप्टिन मॉन्स्टर और इसको भी हटा दोगे, WP फॉर्म इसको भी हटा दोगे। वेब स्टोरीज इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर प्लगइन्स पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पे जाके वहाँ पर वेब स्टोरीज क्लिक करनी है, वेब स्टोरीज सर्च करनी है, क्योंकि इसी से हम वेब स्टोरीज बनाएंगे, मतलब ये ब्लॉग सेटअप करने के बाद का ये प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर जिनके पास एग्जिस्टिंग ब्लॉग है अब यहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो वेब स्टोरीज पे क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है, आप यहाँ देख सकते हो बाय गूगल, नीचे है मेक स्टोरीज, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो और इस ऊपर गूगल है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा गूगल वाला आप यूज़ करो, गूगल वाला ज़्यादा इजी है, मेक स्टोरीज वाला भी इजी है बट उसमें थोड़े से आपको अलग से और टास्क करने पड़ते हैं, ये आपके साथ ही आपके ब्लॉग पे ही इनबिल्ट है, इसको आपको एक्टिवेट कर देना है रैंक मैथ डालने के बाद, रैंक मैथ SEO डालने के बाद आप वेब स्टोरीज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ब्लॉग पे वेब स्टोरीज भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी आते हैं कि गूगल जो वेब स्टोरीज को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पर इसका मैं लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो गूगल फॉर क्रिएटर्स में वेब स्टोरीज को इंट्रोड्यूस किया गया, अच्छे से बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस किस तरह की वेब स्टोरीज बनाई जाती हैं, कैसे वर्क करता है, यहाँ पर बता दिया गया है। और यहाँ पर कुछ इन्होंने सैंपल्स भी दिए हैं, जैसे मैंने सबसे पहले सैंपल आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड दिया था, गेमिंग से रिलेटेड भी वेब स्टोरीज बना सकते हैं और बहुत ही तगड़ा ट्रैफिक और CPC इस पे है। इसके अलावा फूड में जिसको इंटरेस्ट है फूड कर सकता है, फिनांस में कर सकता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सकता है जो लोग हिस्ट्री वगैरह के बारे में फैक्ट वगैरह बताते हैं, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा सैंपल दिया हुआ है कि कैसे लोग वेब स्टोरीज बना रहे हैं, उसके साथ यहाँ पर गाइड्स भी दिए गए हैं कि कैसे आप वेब स्टोरीज आपको बनाने हैं। यहाँ पर देखो जैसे लिखा है हाउ टू क्रिएट गुड कंटेंट, आप यहाँ पर देख के आप अच्छा कंटेंट कैसे बनाओगे। तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट तो यही है गूगल फॉर क्रिएटर्स जो वेब स्टोरीज़ के लिए जो है, आप वहाँ से पूरा बना सकते हो। और सबसे मज़े की बात है कि इन वेब स्टोरीज़ को हम अपने गूगल एडसेंस के साथ में मोनेटाइज कर सकते हैं, उसके साथ साथ में जो हमारा एग्जिस्टिंग कंटेंट है हमारे ब्लॉग पे उसको भी हम वेब स्टोरीज के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कोई आर्टिकल बनाया था कि लाइक 10 वेज टू अर्न फ्रॉम YouTube, ठीक है, और उसमें मैंने जो 10 तरीके हैं उनमें मैंने 10 आर्टिकल मैंने बनाए हुए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हर एक स्लाइड्स में मैं लिंक दे सकता हूँ और हर एक स्लाइड में जैसे मान लो मैंने बताया कि एडसेंस से कैसे मोनेटाइज करें, तो उसके बारे में मैंने कोई अगर आर्टिकल बनाया है तो उसको मैं उस स्लाइड पे लिंक कर सकता हूँ। तो ऐसे हर एक स्लाइड पे मैं अलग अलग आर्टिकल को भी लिंक कर सकता हूँ, बट ऐसा मत करिए हर बार, आपको मैक्सिमम मैं बोलूँगा कि 10 स्लाइड में आप सिर्फ एक लिंक लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैल्यू देने की पूरी कोशिश करो, वैल्यू जब दोगे तो आपकी वेब स्टोरीज़ काफ़ी अच्छे से रैंक होंगी, आपकी अथॉरिटीज़ बढ़ेंगी। और निश बेस रखो, निश बेस का मतलब कि सिंगल निश से रिलेटेड, जैसे ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल से रिलेटेड ही करो, गेमिंग कर रहे हो तो सिर्फ गेमिंग से रिलेटेड करो, राइट, समझ गए। अब वेब स्टोरीज का प्लगइन भी आपने इंस्टॉल कर लिया, अब इसके बाद क्या, देखो इसके बाद ज़रूरत है आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट होना। अगर गूगल एडसेंस अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बोलूँगा कि आप पहले तो कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखो, 8-10 ब्लॉग पोस्ट अपने ब्लॉग पे लिखो, उसमें उसके अलावा आपके पेजेस होने चाहिए। जैसे मान लो मैं अगर आपको दिखाऊँ,
मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कुछ पेजेस भी बना के रखे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस का पेज यहाँ पर होना चाहिए और साथ ही साथ एडसेंस डिस्क्लेमर होना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया से बाहर कर रहे हो तो यूएसए में सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अगर आप अपने साइट पर अफिलिएट कर रहे हो तो अफिलिएट डिस्क्लोजर का भी पेज बनाना पड़ता है, तो अफिलिएट डिस्क्लोजर करोगे, हम अभी अफिलिएट इस पर नहीं कर रहे हैं, तो एडसेंस डिस्क्लेमर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट अस का है और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है और अबाउट अस का है, तो ये चार पेजेस मैंडेटरी है, तभी आपका गूगल एडसेंस भी अप्रूवल होता है। और साथ ही साथ जितने भी आपने कैटेगरीज बनाए सब में एक एक आर्टिकल होना जरूरी है, तो मैं तो बोलूँगा कि ज़्यादा कैटेगरीज शुरू में मत बनाना जब तक गूगल एडसेंस नहीं मिला है, तो गूगल एडसेंस मिलने के बाद आप कैटेगरीज बना लेना, बट कोशिश ये करें कि आपकी जो साइट हो काफ़ी अच्छे से दिखे। तो मैं ये साइट मैं अपनी दिखा देता हूँ, ये जो मेरी साइट है कुछ इस तरीके से दिख रही है, तो मतलब ठीक ठाक सी है, ज़्यादा हमने फैंसी भी नहीं बनाया और ज़्यादा हमने बिगाड़ा भी नहीं है, तो इस तरीके से एकदम सिंपल हमने रखा है कि ताकि फटाफट ये ओपन हो जाए क्लिक करने पे, तो इस तरीके से हमने बनाया। तो आप इस तरीके से डिज़ाइन करके आप अप्लाई करोगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। अगर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, आपने अप्लाई किया और रिजेक्शन आ गया, तो वहाँ पर हूबहू लिखा होता है कि आपको क्या करने चाहिए, मतलब किस रीज़न से आपका वो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है, तो वो सारी चीज़ें पढ़िए और फिर ध्यान से अगली बार आर्टिकल सही करिए या फिर जो भी रीज़न दिया है उसको सही करने के बाद फिर से अप्लाई करिए, एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। हालांकि मैंने नए डोमेन पे तो किया बट मेरे पास एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी था, एक और मेरे पास एडसेंस अकाउंट था तो मैंने दूसरा वो रिपोर्ट आपको दिखाया था, लाइक दो वेबसाइट हमने बनाए, तो हमने मल्टीपल एडसेंस हमारे पास हैं, लाइक मेरे कज़िन के पास है या फिर मेरे दोस्त के पास है या फिर मेरे टीम मेंबर में किसी के पास है, तो हम यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे ही आपके पास आप अगर एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि एक एटलीस्ट एडसेंस अकाउंट हो। अब उसके बाद क्या करना है कि आप चाहें तो अपने मेन डोमेन पे कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया था usanews.net, या फिर मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि us.theusanews.net, मतलब एक सब डोमेन भी मैं बना सकता हूँ। अब सब डोमेन कैसे बनाते हैं, अगर आप अपने होस्टिंगर में जाओगे जहाँ से आपने होस्टिंग ली है, तो अपने होस्टिंगर पे जाना है और यहाँ पर देखेंगे मैनेज पे क्लिक करना है जो भी आपका डोमेन होगा, उसके बाद आप यहाँ पर सब डोमेन बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए सब डोमेन्स में जाना है और यहाँ पर अपना एक सब डोमेन बना लेना है, जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया us.usanews.net, तो इस तरीके से समझिए आप एक और आपने ब्लॉग बना दिया, मतलब एक usanews.net तो मेरा था ही बट एक और मैंने सब डोमेन बना दिया, आप समझ रहे हो। अब इस पे भी मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके फिर से वहाँ पे मैं एक सेपरेट अपना एक निश पे मैं काम कर सकता हूँ, तो इस तरीके से चाहे आप मल्टीपल सब डोमेन्स बना सकते हैं और मल्टीपल निश भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये उनके लिए होता है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप अगर प्राइम आपके पास ऑलरेडी कोई ब्लॉग है तो आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं या फिर एक सब डोमेन बना के उस पर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है गाइज, अब आपको सर्च कंसोल में सबमिट करना है। अब सर्च कंसोल क्या है, सर्च कंसोल का मतलब कि गूगल को बताना है कि भाई मैंने भी ब्लॉग बनाया है, मैं भी कॉन्टेंट डाल रहा हूँ, तो गूगल को जब पता चलेगा तभी आपके ब्लॉग को रैंक करेगा। तो सिंपली आपको सर्च कंसोल पे जाना है और वहाँ पर अपने ब्लॉग को वेरीफाई कर देना है। तो जैसे मान लो मैंने नया ब्लॉग बनाया है theusanews.net, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर्च कंसोल में जाऊँगा। आप सर्च कंसोल में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वहाँ पे बना लेना। तो जैसे मेरा जो डोमेन नेम था usanews.net, तो यहाँ पे एंटर कर लेना, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे txt रिकॉर्ड है, इसको कॉपी करना है और आपके जाना है DNS कॉन्फ़िगरेशन में। तो होस्टिंगर से हमने डोमेन लिया था, DNS जोन एडिटर में जाते हैं और यहाँ पर txt रिकॉर्ड ऐड करना है। तो txt में गए और txt वैल्यू में हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है और नेम में @ ऐसे एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। अब ये DNS रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, तो अभी कैसा है कि थोड़ा टाइम लेगा वेरीफाई होने में, तो इसको अगले दिन हम वेरीफाई कर सकते हैं, इतना घाई भी नहीं है, तो एक दिन का टाइम दे सकते हैं। वैसे वेरीफाइड हो गया, आप देखो 5 मिनट का टाइम लिया, 5 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट लिया मैंने वापस किया तो वेरीफाइड हो गया। तो अब ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है साइट मैप का। अब यहाँ पर साइट मैप हमें सबमिट करना है। साइट मैप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप रैंक मैथ्स प्लग इंस्टॉल करोगे तो आपके साइट का साइट मैप आसानी से बन जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं जाता हूँ रैंक मैथ में जाता हूँ, यहाँ पर साइट मैप सेटिंग में जाता हूँ। जब आप रैंक मैथ इंस्टॉल करोगे तो आपके सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। अब साइट मैप में यहाँ पर दिखेगा योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हियर। तो ये जो ऊपर हमारा साइट मैप है इसको कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पर जाना है अपने सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में जाके यहाँ पर साइट मैप URL कॉपी करना है और सबमिट कर देना है। बहुत ही सिंपल है, सबमिट कर देंगे आपका साइट मैप यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद जब भी आप कोई आर्टिकल डालोगे, कोई वेब स्टोरीज पब्लिश करोगे, तो ऑटोमेटिक वो इंडेक्स होगा, गूगल को पता चलेगा कि आप कुछ कर रहे हो, तो उसको क्रॉल करेगा और फिर लोगों के सामने रिजल्ट्स के तौर पर वो दिखाएगा। बस इतना बेसिक काम कर देना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल था,
तो ये मुझे बताना जरूरी था। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बात करेंगे कि वेब स्टोरीज बनाते कैसे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट मेथड से कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, बट वो सही नहीं है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। उसमें जैसे मैंने बताया कि कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी अप हो सकता है। जैसे आपने शुरुआत में देखा होगा कि हमारे ब्लॉग की हालत कैसे है, कि आज कभी कभी $0 की इनकम हो रही है, तो कभी $70 की इनकम हो रही है, देख रहे हो भाई। तो एक कॉपी पेस्ट का नतीजा है। बट एक जो हमने जो ब्लॉग बनाया डेली $1-$2, $3-$4, कभी कभी $8-$10 तक पहुंच रहा है, तो वो ऑथेंटिक तरीके से हम उसको कर रहे हैं। दूसरा, हम कॉपी पेस्ट तरीके से कर रहे हैं, तो हम भाई सारी तरीके आजमाएंगे और आपको सही तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले वेब स्टोरीज बनाने से पहले आप वेब स्टोरीज के आप चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम गूगल वाले उस पर जाते हैं कि कैसे हमें बनाना है, तो एक बार गाइड्स वगैरह आप देख लीजिएगा कि कैसे वेब स्टोरीज बनाना है। तो मॉडर्न स्टोरी टेलिंग विथ वेब स्टोरीज आप यहाँ पर देख सकते हो, वेब स्टोरीज कैसे बनाने हैं, व्यू गाइड पर आप जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा बताया गया कि कैसे करना है। तो पहले तो आपको इंस्पायर होना है, पहले आपको कुछ वेब स्टोरीज देखनी है कि यार बनती कैसे है। तो शुरुआत में ही मैंने आपको दिखा दिया था कि वेब स्टोरीज बनती कैसी है, तो आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ वेब स्टोरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो चलिए अब हम आपको बना के दिखाते हैं एक वेब स्टोरी। तो अब गाइस आ जाते हैं हम वेब स्टोरीज बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वेब स्टोरीज बनाएंगे किस टॉपिक पे, टॉपिक क्या होगा। तो मैं मान के चलता हूँ आपने कोई टॉपिक सोचा होगा कि लाइक निश, कोई भी एक निश आपने सोच लिया होगा, तभी तो आप ये पूरा ब्लॉग वगैरह सेटअप कर रहे हो। तो जैसे ज़्यादातर लोग अभी जो कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे कर रहे हैं, ट्रैवल पे कर रहे हैं, फूड पे भी आप कर सकते हो, फिनांस पे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। बट जो एंटरटेनमेंट पे है ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भर भर के मिल रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्टोरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं। और गाइस जो इमेजेस यूज़ करने हैं, मतलब आप वेब स्टोरीज बनाने के लिए आप वीडियो का यूज़ कर सकते हो, इमेज का यूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट का यूज़ कम से कम करना है, उसकी भी गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो मैं गाइडलाइंस के लिंक्स मैं नीचे डालूंगा, तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना। और इमेज जो लगाओगे हाई क्वालिटी इमेज लगाओगे, और कोशिश करना कि कॉपीराइट इमेज का यूज़ कम से कम करना। हालांकि लोग मान नहीं रहे हैं, लोग पॉलिसी का तबड़तोड़ वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, उल्लंघन कर रहे हैं। बट आपको अगर कम से कम करो, मैं तो ये बोलूँगा कम से कम करो, हालांकि करो, कोई दूध का दूल्हा नहीं है, हमने खुद ऐसे ही बनाया है। बट उसमें जो लाइक गूगल आपको पेनलाइज करता रहेगा, समय समय पर अपडेट आएगा, अभी तो सिर्फ एक साल हुए हैं, आने वाले टाइम में हर समय पे ये अपडेट लाएगा। तो जो इमेजेस यूज़ करने हैं आपको हाई क्वालिटी के करने, स्ट्रेसेबल इमेजेस गूगल अप्रूव नहीं करेगा। उसके अलावा कवर इमेज जो हमारा होना चाहिए एकदम अपीलिंग होना चाहिए, जो भी हमारा टाइटल लिखा होगा वो भी अपीलिंग होना चाहिए, और जो कवर इमेज होना चाहिए वो भी अपीलिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे स्टोरीज पे जाते हो, अब इसकी सेटिंग्स एक बार हम देख लेते हैं सेटिंग्स कैसे करनी होती है। जब फर्स्ट टाइम आप करोगे ना, तो यहाँ पर आप अपना पब्लिशर का एक लोगो होना चाहिए कि कौन इसको पब्लिश कर रहा है। तो एक आप यहाँ पे लोगो आप अपना लगा लोगे, अपने क्या बोलते हैं, अपने वेब जो भी आपका ब्लॉग है उसका एक लोगो यहाँ पे लगा लोगे, अपलोड कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, और मोनेटाइजेशन में जब आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाएगा, तो मोनेटाइजेशन में आप यहाँ पर गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर दोगे। और यहाँ पर आपको अपनी पब्लिशर आईडी एंटर करनी है। अब पब्लिशर आईडी क्या होती है, जब आप गूगल एडसेंस जब आपका अप्रूव हो जाता है, तो आपको एक पब्लिशर आईडी मिलती है, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्लॉट आईडी होता है। अब स्लॉट आईडी क्या होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, गूगल एडसेंस में चलते हैं। जब आपको गूगल एडसेंस मिल जाएगा ना, तो हो जाएगा, वहां पर जाना है आपको, एड्स पे क्लिक करना है, बाय एड यूनिट पे क्लिक करना है, और एक डिस्प्ले एड पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसमें आप हॉरिजॉन्टल नहीं करना है, आपको वर्टिकल पे जाना है, वर्टिकल, क्योंकि वेब स्टोरीज वर्टिकल फॉर्म में है, तो वर्टिकल में जाना है और इसको क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर नाम दे देना है, वेब स्टोरी एड सैंपल, मैं सैंपल बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसको मैं पब्लिश नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखोगे डेटा एड स्लॉट करके आ रहा है, तो ये जो नंबर्स है ना, इसको कॉपी कर लेना है, और फिर आना है सेटिंग्स में, वेब स्टोरी की सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको पेस्ट करके सेव कर देना है, ठीक है। बस इतना सेटिंग्स आपको बस ये करनी है मोनेटाइजेशन के लिए। अब फिर क्या होगा, जैसे आप 10 स्लाइड्स बनाओगे, तो आपके हर एक वेब स्टोरी में एड्स चलेंगे, जब एड्स चलेंगे तो पैसे कमाओगे। एक और तरीका है कि पैसे ज़्यादा कमाने के, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप पूरा ध्यान से देखते जाओ, जहाँ भी कोई समझ में ना आए आप नीचे कमेंट कर देना, आपका भाई आपके डाउट्स को दूर करेगा। तो आई थिंक ये मेजर सेटिंग्स हैं जो आपको करनी है। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स भी कर लेना। गूगल एनालिटिक्स के लिए मैंने बोला, गूगल जब साइट किट आप इंस्टॉल करोगे, तो आप वहीं से सारा लिंक कर सकते हो, वहीं से आप सारी चीज़ें बना सकते हो, बहुत ही ईजी है। जैसे सर्च कंसोल भी आप वहाँ से लिंक कर सकते हो। तो चलिए अब मैं एक बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू स्टोरी पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे क्विक टिप्स भी देता है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हो।
अब यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ टू ऐड एन इमेज, यहाँ पे क्लिक करना है तो आप इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे चूज इमेज और वीडियो, अगर चूज करने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो अपलोडेड है वहाँ से चूज कर सकता हूँ, नया अपलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे सीधा ड्रैग कर देना है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाता हूँ अपने। तो मैंने आप लोगों के लिए बनाने के लिए मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे किए हुए हैं, तो ये सारे मैं एक साथ ही यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ इसमें। और अल्ट टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं एसईओ के लिए, मैं अभी ऐसे ही दिखा रहा हूँ। अल्ट टेक्स्ट में डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा एसईओ वगैरह बढ़ जाता है इमेजेस का। ओके, जैसे अपलोड हो जाएगा हम इंसर्ट टू पेज कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, अब इसको रिसाइज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये फुल पूरा दिख जाना चाहिए, फुल दिखे और ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पहला स्लाइड हो गया। और सबसे पहले हम इसका टाइटल लिख लेते हैं। तो टाइटल मैंने अभी कंटेंट प्रिपेयर करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे मैं टाइटल में लिख देता हूँ कि 10 सरप्राइजिंग जिम कैरी फैक्ट्स। जिम कैरी बहुत ही बड़े हॉलीवुड एक्टर हैं और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बड़ा प्रमोट करते हैं। तो ये देखो, 10 सरप्राइजिंग जिम कैरी फैक्ट्स यू हैव टू नो, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे पहला स्लाइड है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है कुछ, तो अभी यहाँ पे जो टाइटल वन दिख रहा है, टाइटल टू दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ना टाइटल टू लेता हूँ। टाइटल वन ऑलरेडी हमने जो ऊपर लिख दिया ना, एच वन हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो अब हम एच टू ले लेते हैं। टाइटल टू पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने पॉइंटर्स बना के रखे हैं, मतलब ऐसे मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्या करना है कि कोई कीवर्ड उठाना है, वो कीवर्ड के बारे में आपको रिसर्च करना है, उसके बारे में 10 पॉइंट्स आपको निकालने हैं। मतलब अलग अलग साइट्स से आप जाओगे, पता करोगे इस कीवर्ड के बारे में और उसको नोट कर लोगे, तो 10 पॉइंट्स को नोट कर लोगे और फिर 10 स्लाइड्स में एक एक पॉइंट्स आप कॉपी पेस्ट करते जाओगे, ठीक है। और इमेजेस आपको एटलीस्ट 10-12 आपको अच्छे अच्छे इमेजेस आपको ढूंढ के रख लेने हैं ताकि वो काम आ जाए। और कोशिश करना है कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज़ करो। हालांकि अब जिम कैरी का मैं कॉपीराइट फ्री इमेज कहाँ से लाऊं, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, बट मैं यूज़ कर सकता हूँ। बट कंटेंट जो है मैं काफ़ी रिसर्च करके मैं वो कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, तो उस तरीके से कंटेंट में थोड़ा सा वैल्यू है। और जो कंटेंट हो इंटरेस्टिंग हो, मतलब हर स्लाइड के बाद ना थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट हो जाए, आधा अधूरा स्टोरी नहीं होना चाहिए। बेसिकली स्टोरी में हम कर क्या रहे हैं, एक आर्टिकल अगर होगा तो उस आर्टिकल का समराइज वे में हम वेब स्टोरी के फॉर्मेट में दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको ना अपने हिसाब से रिसाइज वगैरह कर लेना है और कलर विलर भी चेंज कर लेना। अभी जैसे दिख नहीं रहा है प्रॉपर, ठीक है, तो इसको मैं कलर को देखता हूँ, मैं वाइट करके देखता हूँ, ठीक है, वाइट में थोड़ा सा दिख रहा है ना। तो ये हमारा पहला स्लाइड तैयार हो गया। फिर उसके बाद हमें न्यू पेज करना है। अब इसके बाद दूसरे पेज में मैं दूसरा इमेज यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। दूसरे इमेज के लिए मैं फिर से अपलोड करूँगा, अपलोड जो मैंने ऑलरेडी किए थे, तो वहाँ से मैं एक दूसरा इमेज मैं चूज़ कर लेता हूँ। मैं सेकेंड वाला मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो ठीक इसी तरीके से सारे स्लाइड्स में बनाऊंगा। देखो गाइस, टेक्स्ट ज़्यादा भरना नहीं है, टेक्स्ट ज़्यादा भरोगे गूगल उसको पेनलाइज कर देगा। और जो क्वालिटी इमेजेस लगाने, क्वालिटी इमेज लगाओगे तभी जाके वेब स्टोरीज आपकी अप्रूव होगी। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंटर्स जो मैंने लिखा हुआ है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए, ताकि टाइम की बचत हो, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी होने लगती है। अब यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पर फिर जाता हूँ और टी करता हूँ, और T2 या फिर पैराग्राफ में कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। और हम वहाँ पर टेक्स्ट के साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हो, तो ताकि पढ़ने में भी इजी रहे, लोग पढ़ सके इसको। और कलर मैं इसका फिर से वाइट कर देता हूँ ताकि वाइट दिखे, और इसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप देखोगे कि एक बॉक्स दिख रहा है, जैसे टेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो आप देखो ये बॉक्स दिख रहा है, तो इस बॉक्स के बीच में आपका टेक्स्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दो स्लाइड हमने तैयार कर लिए, ठीक है। अगर हम चाहते हैं इसमें हम लिंक देना, अभी तो ये मैंने इमेजेस बताया, अब हम अगर इसमें एक स्लाइड में हम वीडियो लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। अब इसी में मैंने नया पेज एक और ऐड कर दिया। अब यहाँ पर अपलोड पे जाना है और रिकॉर्ड वीडियो या फिर लिंक के थ्रू हम दे सकते हैं। तो एक साइट होती है जहां पर हम वीडियो को होस्ट कर सकते हैं, वहां से लिंक को यहां पे पेस्ट करेंगे तो वीडियो यहां पे दिखने लगेगा। तो flickr.com पे आप वीडियो होस्ट करके उसका लिंक यहां पे दे सकते हो। तो जैसे वीडियो का लिंक मैंने यहां पे कॉपी किया हुआ है, तो इसको मैं पेस्ट करता हूं, तो वीडियो यहां पे दिखने लगेगा। ये कोई बताएगा नहीं गाइस, इस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा, तो मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो का मैं पूरे बैकग्राउंड पे लगाना है, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके आप सेट एज पेज बैकग्राउंड कर सकते हैं, तो अपने आप वो स्टेज कर लेगा, ठीक है। तो अब ये वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि इंगेजमेंट बढ़ जाता है, मतलब वीडियो से क्या होगा, इंगेज बढ़ जाता है। हालांकि जो स्टोरीज फेमस ही हुई थी वीडियोज़ के लिए, अब ज़्यादातर
खाली पिक्चर्स लगाने से उतना वैल्यूएबल वेब स्टोरी नहीं बनेगा, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गया वीडियो, हम ऐसे ही हम इमेजेस भी लिंक लगा के कर सकते हैं। तो उसके लिए flickr.com पे जाना है आपको, वहाँ पे आप वीडियो होस्ट कर सकते हो। आप चाहें तो अपना वीडियो होस्ट कर सकते हो, 5 सेकंड का, 6 सेकंड का। अब आप सोच रहे हो कि अगर हमें इस पे लिंक देना है, अगर हमने अपने एग्जिस्टिंग ब्लॉग पोस्ट का लिंक देना है तो कैसे देंगे, तो इसको हमें सेलेक्ट करना है अगर हमें इसी पेज पे देना है तो। और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें आना स्टाइल पे, स्टाइल में आने के बाद यहाँ पर कॉल टू एक्शन पे जाना है। कॉल टू एक्शन में आप उसका एड्रेस दे दोगे, तो जैसे मान लो मेरा कोई ऐसे ही मैं रैंडमली satishkushwaha.com पे मैंने कोई आर्टिकल लिखा है, उसका मैं लिंक देना चाहता हूँ। ये आर्टिकल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लर्न मोर करके आ जाता है, मतलब कि वेब स्टोरी में वो मेरा लिंक ऐड हो गया, और जैसे ही कोई व्यूवर देख रहा है वहाँ पर लिंक पर क्लिक करेगा तो उस पेज पर लैंड हो जाएगा। और आप चाहें तो हर एक पेज में लगा सकते हैं, बट मैं इसको मना करूँगा। ऐसे ही आप 10 स्लाइड्स बना लोगे और यहाँ पर पब्लिश कर सकते हो। इसके बाद हमें जाना है डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पर पब्लिशर लोगो लगा सकते हैं और एक पोस्टर इमेज लगाना होता है, पोस्टर इमेज जो व्यूअर को दिखेगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपीलिंग लगाओ। तो पहले ही पोस्टर इमेज आप ढूंढ लो, यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। तो मैंने एक इमेज जिम कैरी कवर करके मैंने रखा हुआ है, तो जो कवर का जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 640x853। तो आप उसको कैनवा में बना सकते हो, ये साइज़ कस्टम डायमेंशन लेके वहाँ पे आप बना सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं उसको यहाँ पर अपलोड करता हूँ। देखो अभी दिखने में आपको प्रोसेस लंबा लग रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर किसी को समझ में आए, जिसने कभी आज तक कभी वेब स्टोरी नहीं बनाया, कभी आज तक किसी ने ब्लॉग नहीं बनाया, उसको भी समझ में आ जाए। अब मैंने इसको पोस्टर इमेज के तौर पे सिलेक्ट कर लिया, मतलब अब ये जैसे ही वेब स्टोरीज किसी को दिखेगी तो पोस्टर पे ये फोटो दिखेगा। अभी देखो जिम करी ने लड़की को दबोचा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आप ऐसे बना दोगे, ये तो मैंने मस्ती मजाक के लिए बोल दिया, बट आपको कोशिश करनी है कि जो इमेज हो थोड़ा अपीलिंग हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप सनी लियोनी का फोटो लगाते फिर तो चलो। अब इसके बाद हम इसको सेव भी कर सकते हैं ड्राफ्ट के तौर पर, एक बार हम देख भी सकते हैं कि कैसा दिखता है। अब यहाँ पे जनरेटिंग द प्रीव्यू आ रहा है, देखो ऐसे दिखेगी लोगों को, है ना, तो समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, बराबर। अब यहाँ से हम चाहें तो इसको पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिश करने से पहले आप रिव्यू कर लोगे। अब स्टोरी टाइटल ये है, देखो मेटा टैग इंपॉर्टेंट है, गूगल को बताना जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हो। स्टोरी डिस्क्रिप्शन, अब इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि आप यहाँ पे क्या बताने वाले हो, थोड़ा बहुत बता दो कि जिम कैरी के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो जिम कैरी से रिलेटेड है, उनके लाइफ से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर कर सकते हो। पब्लिश कब करना है आप यहाँ पे चाहें तो शेड्यूल भी कर सकते हो, मतलब एक साथ आपने 20-25 बना दिए और उसको शेड्यूल कर दो, शेड्यूल भी कर सकते हो। एडमिन का नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, तो ऑथर यहाँ पर नाम आ जाएगा, हमने एडमिन लिखा हुआ है, हालांकि हम US में टारगेट कर रहे हैं तो हमने ऐसे लिख दिया। फिर इसके बाद परमा लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिम कैरी लिख देता हूँ मैं, जिम कैरी फैक्ट्स स्पेस कर देते हैं, जिम कैरी स्पेस फैक्ट्स, स्पेस करने पे वो हाइफन लग जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये लाइक उसके लिए सर्च तो थोड़ा सा SEO फ्रेंडली हो जाएगा, तो ये करना है आपको, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, हालांकि चलो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कुछ हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर देना है, अब ये पब्लिश हो रहा है, स्टोरी पब्लिश्ड, ठीक है, अब ये पब्लिश हो चुका है, आप उसको स्टोरी को देख भी सकते हो। अब ये पब्लिक जा चुका है, देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, हालांकि मैंने इसमें 3 ही लिखा है, मुझे इसको वापस एडिट करके इसको अच्छे से डालना होगा। तो ये तो हो गया कि हमने कोई कंटेंट रिसर्च किया हुआ है और उसको हमने वेब स्टोरी के तौर पे बना दिया। अभी हम बात करेंगे कॉपी पेस्ट वाला तरीका। अब जो लोग कर रहे हैं, जैसे शिवम जी ने बताया था कि कैसे वो लोग करते हैं, तो सिंपली आपको जाना है गूगल ट्रेंड्स पे, गूगल ट्रेंड्स सर्च करना है। दोस्तों देखो रात के 1:48 हो रहे हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, और अभी हम शूट कर रहे हैं और अभी तक मैंने डिनर नहीं किया है गाइस। गूगल ट्रेंड्स गाइस ओपन हो गया, अब यहाँ पर क्लिक करना है और ट्रेंडिंग सर्चेस पे जाना है, और यहाँ पर जो कंट्री है उसको सिलेक्ट कर लेना है US, क्योंकि अभी 3 कंट्रीज में ही सपोर्ट कर रहा है, इंडिया, US और ब्राज़ील। अगर हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो हमें US कंट्री में जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हो अभी आज 18th August का ये दिखा रहा है ट्रेंडिंग, 19th August हो चुका है क्योंकि अभी US में अभी 18th August है, तो वहाँ पर आप देखोगे सैना मारिन करके है, 100K सर्चेस दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर देखना है कि क्या ट्रेंडिंग है और कितने घंटे पहले का है, तो इसमें आपको वो न्यूज़ देखना है या फिर वो ट्रेंड देखना है जो थोड़ा सा 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते तक लास्ट कर सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर रियल टाइम सर्च ट्रेंड देख सकते हैं कि इस टाइम पे क्या सर्च हो रहा है, आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो ग्राफ वगैरह देख के। अब जैसे मान लो ये लॉस एंजलिस डॉजर्स करके है, इसका ट्रेंड आप देख सकते हो पास्ट 24 आवर्स में काफ़ी इसका ग्राफ उतार चढ़ाव रहा है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबे समय तक जा सकता है, तो मैं इसको सर्च करूँगा इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में सर्च करूँगा
और इस पे आप देखोगे रिलेटेड न्यूज़ नीचे ही लिख के आ रहे हैं, तो उन न्यूज़ को ओपन कर लेना है, ठीक है, उन न्यूज़ को ओपन कर लेना है। अब इन न्यूज़ को आपको एक बार देखना है एक बार के लिए, ठीक है, जो भी ये टाइटल्स क्या है, व्हाट कुड पॉसिबली गो डाउन डाउन अ स्लाइड, ऐसे करके हैं, एक इसको देख लेना है, फिर ये वाला देख लो, दूसरा आर्टिकल, फिर तीसरा आर्टिकल। अब इसको थोड़ा सा समझ लेना है और इसमें से 10 पॉइंटर्स निकाल लेने हैं। मान लो मैंने 10 न्यूज़ निकाली है, सब जगह से एक एक पॉइंटर्स निकाल लिए, बट मीनिंगफुल होना चाहिए गाइस, क्योंकि कोई सेंस जब नहीं बनेगा ना तो कोई मतलब नहीं है उसको बनाने का, क्योंकि यूएस के लोग पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ आने की गाँव के आदमी को पढ़ा दिया ऐसा कुछ नहीं है, यूएस के लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा। तो इसमें से मान लीजिए हमने कुछ बातें हम लोग निकाल सकते हैं। अब साला मैं इनके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ क्या चलता है यूएस के बारे में, तो थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि यूएस में क्या चल रहा है। अब आपको यूएस के हिसाब से चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स की मदद से आप ऐसे टॉपिक निकाल लोगे और 10 पॉइंटर्स बना लोगे, जैसे मैंने जिम कैरी के बारे में मैंने पॉइंटर्स बनाए थे, यहाँ पर देखो ऐसे मैंने नोट पे बना लिया 10 पॉइंटर्स, ठीक है, और फिर उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड, लाइक ये मुझे लग रहा है कि ये डॉजर्स रिपोर्टर करके हैं, तो इससे रिलेटेड मुझे कुछ इमेजेस मुझे डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड मुझे कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेने, इसके बारे में मैं सर्च कर सकता हूँ और गूगल पे सर्च करके इमेजेस में चेक कर सकता हूँ, और यहाँ से कुछ इमेजेस मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। तो 10-12 इमेजेस यहाँ से ले लेने हैं और अपीलिंग के लिए भी कुछ मुझे ढूंढ लेना है। उसके बाद वही सेम प्रोसेस जिस तरीके से हमने वेब स्टोरी क्रिएट करी वैसे ही वेब स्टोरी आपको बनानी है। तो एक कॉपी पेस्ट तरीका हो गया। अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, आप कैटेगरी वाइज जा सकते हो कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड क्या ट्रेंडिंग में है, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या ट्रेंडिंग में है, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आप करके कॉपी पेस्ट तरीके से भी कर सकते हो और बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अर्निंग ज़्यादा करने के लिए मैं एक बार आपको रिपोर्ट दिखाऊँगा ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। तो जो मेरी जो दूसरी साइट है, जो दूसरा साइट है, उसका मैं एडसेंस रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप जाओगे स्टडे में, अगर हम जाते हैं कल वाला देखते हैं, तो आप देखोगे टॉप एड्स और फिर देखोगे वेब स्टोरी एड्स। जो मेरी इनकम सबसे ज़्यादा हुई है वो टॉप एड्स से हुई है और वेब स्टोरी एड से बहुत कम हुई है। अब ऐसा क्यों? देखो वेब स्टोरी एड में सिर्फ एक एड शो करता है, तो मैंने क्या किया, वेब स्टोरीज में मैंने लैंडिंग पेज पे लोगों को रिडायरेक्ट करवाया। मतलब कि उस वेब स्टोरीज में मैंने मान लो 6-7 स्लाइड्स मैंने डाले और उन स्लाइड्स में मैंने उसी से रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वेब स्टोरी बनाया, उसी से रिलेटेड मैंने एक ब्लॉग पोस्ट बनाया। तो उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैंने उस वेब स्टोरी में दे दिया। अब जैसे ही लोग उस लैंडिंग पेज पे आते हैं तो वहाँ पर एड्स ज़्यादा शो होते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि वेब स्टोरीज इंटरेस्ट बेस्ड है, तो इंटरेस्ट बेस्ड है तो जो एड्स आएंगे वो भी इंटरेस्ट बेस्ड आएंगे, तो वहाँ पे CTR थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो जो टॉप एड्स पे क्लिक आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एड्स ओपन हो जाते हैं एंड लोग वहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो टॉप एड्स से पैसे ज़्यादा बन रहे हैं। तो एक ये मैंने प्रो टिप दे दिया, तो इस बात के लिए आप लाइक कर देना, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि वेब स्टोरीज से भी कमाओ और आप अपने आर्टिकल को वहाँ पर लिंक कर दो, तो इससे क्या होगा कि वहाँ से भी एक्स्ट्रा आप इनकम कर सकते हो। तो ये तो हो गया। अब आर्टिकल कैसे बनाना है, तो जैसे आपने ये 3 आर्टिकल्स ढूंढे थे, ये 3 न्यूज़ ढूंढे थे, तो इसमें से आप थोड़ा बहुत कॉपी कर लोगे, जैसे मान लो ये वाला पैराग्राफ आप कॉपी कर लोगे, लेकिन इसको एज इट इज़ अपने आर्टिकल में पेस्ट नहीं करना है। उसके लिए बहुत सारे टूल आते हैं, जैसे एक वर्ड AI करके है, वहाँ से आप उसको रीराइट करते हैं, मतलब ये टेक्स्ट रीराइटर है, तो यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट करके उसको रीराइट कर देगा। ऐसे ही स्पिन बोर्ड करके आता है, तो वहाँ पे चीज़ें स्पिन, हालांकि यहाँ पर ये पैसे वाला है, बट कुछ टूल्स आते हैं ग्रुप बाय SEO करके आते हैं, वहाँ से जाके आप वर्ड AI को यूज़ कर सकते हो, सस्ते में हो जाता है। मैं इसको प्रमोट नहीं करना चाहता, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप जितना ही ऑथेंटिक तरीके से करोगे तो उतना ही लॉन्ग रन तक जाओगे, क्योंकि अभी तो ये गेम शुरू हुआ है भाई, ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, मतलब अभी तो सिर्फ 1 साल हुए हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि जब ब्लॉगिंग शुरू हुआ था ना वो दौर अभी फिर से अब शुरू हुआ है। तो जो लोग सोचते थे कि यार ब्लॉगिंग में हमारा तो कंपटीशन बढ़ गया है, हम कैसे करेंगे, हम तो नए लोग हैं, तो उनके लिए वेब स्टोरीज बहुत सही है। और एक कॉपी पेस्ट वाले तरीके से आपको डेली 10 से 15 वेब स्टोरीज बनानी पड़ेंगी, तभी जाके एक आध उसमें वेब स्टोरीज चलेगी और कोई कोई नहीं चलेगा।
तो कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा वेब स्टोरीज बनानी है और एटलीस्ट एक ब्लॉग पोस्ट आपको बनाना है, मतलब 10-15 स्टोरीज आपने ऐसे डाल दिए, उनमें से किसी एक वेब स्टोरी पे आप आर्टिकल बना देना, ठीक है। इसके साथ कई लोग बोल रहे थे कि अफिलिएट कर सकते हैं क्या, अफिलिएट भी कर सकते हैं, गूगल अलाउ भी करता है, बट वो पूरा कंटेंट अफिलिएटेड नहीं दिखना चाहिए, मतलब ऐसे समझ लो कि 90% कंटेंट बढ़िया होना चाहिए और 10% बस अफिलिएट कंटेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हर वेब स्टोरी में आपने खाली अफिलिएट लगा के रखा है, ऐसा भी नहीं करना है, तो अफिलिएट कर सकते हैं। अफिलिएट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, जैसे मान लो जो ट्रैवल से रिलेटेड वेब स्टोरीज बनाते हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड उनका ब्लॉग है, तो उसमें आप टॉप 10 बैकपैक्स बता रहे हो अंडर इतना, अंडर 5000, तो उसमें आप कर सकते हो, आपने उसमें 10 बैकपैक दिखा दिए, सबकी विशेषताएँ बता दी और किसी का इमेजेस लगा दिए, किसी के वीडियोस लगा दिए, और इस तरीके से लोगों को जो पसंद आएगा लोग आपके लैंडिंग पेज पे जाके वहाँ से खरीद भी सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप उस बैग का अफिलिएट लिंक दे सकते हो, बट कोई एक ही देना, अब सारा दे दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसको स्पैम कर देगा। तो आई होप कि मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि वेब स्टोरीज बनाना कैसे है, पोस्ट कैसे करना है, मोनेटाइज भी हमने बता दिया, मोनेटाइज करने का सारा तरीका। तो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने कवर करने की पूरी कोशिश करी है, फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आ जाऊँ और फिर आप लोगों के सवालों के मैं जवाब पूरा दे दूँ। फिर भी कुछ क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे कि जैसे हम इसको मोबाइल से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं पीसी पे कर रहा हूँ अगर आप इसको मोबाइल पे कर सकते हैं, मतलब मोबाइल पे थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे भाई ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो, क्योंकि मैं मोबाइल पे तो नहीं कर सकता। हाँ चीज़ें हो सकती हैं, गूगल क्रोम अगर आपके पास ब्राउज़र है तो आप उसमें कर सकते हैं, बट दिक्कतें होंगी। अब जैसे कॉपी पेस्ट तो मैं यहाँ पे इजीली कर लेता, अब मोबाइल में क्या होगा कि आप उसमें जाओगे, उसको मिनिमाइज़ करोगे, फिर वहाँ पे कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे, तो थोड़ा सा दुविधा बढ़ जाती है। तो किया जा सकता है, कई लोग कर भी रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन आया था कि क्या हम इसको ब्लॉगर पे कर सकते हैं, मतलब blogger.com जो फ्री वाला है वहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बताया कि मेक स्टोरीज प्लगइन है, उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस पे किया है तो वर्डप्रेस पे वेब स्टोरीज के साथ आप जा सकते हैं, जो गूगल का ही प्लगइन है। ब्लॉगर पे करने के लिए आपको मेक स्टोरीज पे करना पड़ेगा, इसके लिए ट्यूटोरियल्स काफ़ी होंगे और ऑलरेडी यूट्यूब पे होंगे, आप लोग बोलोगे तो मैं भी बना दूंगा। तीसरा, ब्लॉग पोस्ट ज़रूरी है बनाना, कई लोगों ने पूछा था कि क्या हमें ब्लॉग पोस्ट बनाने चाहिए, तो हाँ भाई ब्लॉग पोस्ट ज़रूरी है, बट अगर कॉपी पेस्ट वाले मेथड से कर रहे हो तो 10-15 आप वो बनाओ, वेब स्टोरी बनाओ और एक आर्टिकल तो बनाओ ही बनाओ, तो आर्टिकल भी आपको बनाने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स पे बना सकते हैं, जैसे मान लो किसी का पहले से ब्लॉग था, वो ब्लॉगिंग कर रहा था, अब वो सोच रहा है वेब स्टोरीज करने का, तो जैसे मान लो मेरा जो satishkushwaha.com है पुराना ब्लॉग है, तो क्या मैं इस पे इसी ब्लॉग पे वेब स्टोरी कर सकता हूँ? तो जैसे मान लो एक आर्टिकल है 10+ यूट्यूब चैनल आइडियाज विदाउट शोइंग फेस, तो इस पे मैं वेब स्टोरी बना सकता हूँ और इस आर्टिकल को भी मैं उस वेब स्टोरी में लिंक कर सकता हूँ, और उसमें जैसे मैंने जो 10 आइडियाज़ मैं बता रहा हूँ तो हर एक स्लाइड में एक एक आइडिया बता दूंगा, दो दो लाइन एक्सप्लेन करते हुए, कितना अच्छा वेब स्टोरी बन सकता है। तो उससे क्या होगा, वेब स्टोरी पे भी व्यूज़ आएगा और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसको डिटेल में पढ़ने के लिए, तो मैं वहाँ पे अपना ब्लॉग पोस्ट लिंक कर दूंगा, तो इस ब्लॉग पोस्ट पे भी आ जाएंगे, लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, इस पेज पे लैंड हो जाएंगे, तो इस तरीके से आम के आम गुठलियों के दाम, इसी बात पर लाइक हो जाए। तो कुछ अभी तक जो भी क्वेश्चंस थे तो मैंने कोशिश करे कि आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बता पाऊँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। कहीं भी डाउट हो, कहीं भी दिक्कत आ रही हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी टीम आप लोगों को हेल्प करेगी कोई भी दिक्कत होगी तो। और बताना चाहूँगा कि होस्टिंगर के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको सस्ते में ही नहीं, कम प्राइस में ही काफ़ी अच्छा होस्टिंग मिल जाता है। जैसे मैंने आपके सामने कुछ 8000 रुपये से कम में भी मैंने 4 साल का होस्टिंग मैंने ले लिया, वो भी प्रीमियम वाला, और साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं सतीश के तो आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाता है। बट ध्यान देना कि जो लिंक से आप क्लिक कर रहे हो तो hostinger.in/satishke होना चाहिए, तभी जाके मैं आपको फ्री में $1000 का प्रीमियम प्लगइन्स दे पाऊँगा। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज ही आप अपना ब्लॉग सेटअप करिए और वेब स्टोरीज पे काम करना शुरू करिए, और मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग भी महीने के $50 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, सॉरी महीने के नहीं दिन के, तो मैं उनको फीचर करूंगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक वीडियो देख रहा है और वेब स्टोरीज से काफ़ी अच्छे पैसे बना रहा है तो वो मुझे मेल करे, मैं ज़रूर उसको फीचर करूंगा अपने चैनल पे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चले वेब स्टोरीज के बारे में। और जो लोग पहली बार आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो
मचाते रहो भाई साहब। 2 बज गए यार गाइस, प्लीज इस मेहनत को आप सफल बनाओ, लाइक करो वीडियो को, लाइक करो यार, लाइक करो और मचाते रहो।